हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स टू लर्न टुगेदर। आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं एविडेंस का मतलब, उसके प्रोनाउंसिएशन और साथ में देखेंगे कि एविडेंस वर्ड का हमें सेंटेंस में यूज कैसे करना है। तो सबसे पहले एविडेंस की प्रोनाउंसिएशन है evidence, evidence, evidence का मतलब होता है facts or signs that show clearly that something exists or is true. तथ्य या संकेत जो स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि कुछ मौजूद है या कुछ बिल्कुल सही है, सच है. Information that is given in a court of law in order to prove that someone is guilty or not guilty. जानकारी जो अदालत में दी जाती है ताकि यह साबित किया जा सके कि कोई दोषी है या दोषी नहीं है, उसे एविडेंस कहा जाता है। तो आइए कुछ सेंटेंस एग्जांपल्स देखते हैं विद द वर्ड एविडेंस। एट प्रेजेंट वी हैव नो एविडेंस ऑफ लाइफ ऑन अदर प्लैनेट्स। एट प्रेजेंट वी हैव नो एविडेंस ऑफ लाइफ ऑन अदर प्लैनेट्स। वर्तमान में हमारे पास अन्य ग्रहों पर जीवन का कोई प्रमाण नहीं है। Do you have evidence that this treatment works? Do you have evidence that this treatment works? क्या आपके पास सबूत है कि यह उपचार काम करता है? The documents may be used in evidence at the trial. The documents may be used in evidence at the trial. मुकदमे में सबूत के तौर पर दस्तावेजों का इस्तेमाल किया जा सकता है. What if I get you evidence? What if I get you evidence? अगर मैं आपको सबूत दूं तो क्या होगा? वही evidence के synonyms या समानार्थ शब्द हैं proof सबूत, demonstrate प्रदर्शन करना, testimony गवाही देना, manifest घोषणा पत्र। Evidence के antonyms या विलोम शब्द हैं guess अनुमान लगाना। जहां एक और evidence का मतलब होता है प्रमाण या सबूत, वहीं उसका ऑपोजिट वर्ड है गैस या अनुमान लगाना, अजम्पशन कल्पना करना, कॉन्ट्रडिक्ट खंडन होना, ब्लेम दोष लगाना। तो सिंपल शब्दों में एविडेंस का मतलब होता है किसी चीज को प्रकट करना, साबित करना, स्पष्ट करना, गवाह या गवाही, प्रमाण सबूत साक्षी या शहादत। अब आपकी बारी, नीचे कमेंट में आप एविडेंस शब्द से सेंटेंस बनाकर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मीट यू नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन कीप लर्निंग, रीड लॉट ऑफ बुक्स एंड स्टे हैप्पी।